न्यू पार्टनर जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टमेंट के अंदाज दो हो सकते हैं, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को मैं जुबानी डिस्कस करूंगा, इसको मैं लिखवा के परफॉर्म नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनडायरेक्ट पे आप लोगों की बड़ी बेहतरीन कमांड है। हाँ क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ बुक में, अगर आप चाहें तो बुक से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिस्कस करके फिर हम डायरेक्ट की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी से। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि नया आने वाला पार्टनर बिजनेस में फिजिकली कुछ लेके नहीं आ रहा, वो बिजनेस में कुछ ला के इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ फिजिकली का मतलब कोई ये ना समझे कि वो कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी नहीं ला रहा। नहीं, वो कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी तो क्या, वो गुडविल भी लेके नहीं आ रहा। गुडविल कौन सी फिजिकल होती है, वो तो इंटेंजिबल है ना, फिक्टिशियस है। लेकिन हम कह रहे हैं कि नया पार्टनर बिजनेस में कुछ भी लेके नहीं आ रहा, चाहे वो कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग हो, चाहे वो गुडविल हो। तो सर फिर वो मालिक कैसे बनेगा जब वो बिजनेस में कुछ लेके नहीं आ रहा। आज नया पार्टनर बिजनेस में जब आता है तो वो बिजनेस के मौजूदा मालिकान से कहता है कि तुम अपना हिस्सा मेरे नाम कर दो और मैं इसके लिए तुम्हें इतने रुपए देने को तैयार हूं। तो वो मिस्टर ए से कहता है, मिस्टर ए आप तो 2 लाख के मालिक है ना, आप 2 लाख में से मुझे 1 लाख रुपए का मालिक बना दीजिए। आइए जरा हम यहाँ देख लेते हैं बिल पर, जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ। ए कैपिटल और जनाब बी कैपिटल, ये हमने लिख लिए। अब इनके कैपिटल मेंशन कर देता हूं, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है, बिल फर्श 1 लाख रुपए और ये आ गया जनाब 2 लाख रुपए। शवाना बेटा ये इस काम के लिए नहीं होता, ये जो तू लाइन लगा रही है, अगर तुझे लाइने लगाने का शौक है तो बेटा कॉपी में लगा ले ये सारा काम मेरा बच्चा, सही है। अच्छा मैं ये मीटिंग में मेरा पहला दिन नहीं है, आप लोगों ने तो अभी सिर्फ खेलना शुरू किया है। जब आप ये काम नहीं करते थे मैं शौक भी कर रहा था ये काम ऑनलाइन, मेरे लिए नई चीज नहीं है, आप लोगों के लिए शायद है, तो इसलिए प्लीज जरा ना बी केयरफुल वरना आप मीटिंग से रिमूव हो जाएंगी, फायदा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को जितनी अथॉरिटीज दी है मुझे सब पता है क्या क्या कर सकते हैं मीटिंग में और क्या नहीं कर सकते। ओके तो सी बिजनेस में आ रहे हैं, न्यू पार्टनर सी है, बिल फर्स्ट न्यू पार्टनर है सी। वो कहता है मैं परचेज करूंगा, परचेज करेगा इंटरेस्ट किससे, फ्रॉम ए, कितना, 1/4 और फॉर रुपीज, बिल फर्स्ट जनाब 50,000। फिर वो कहता है मैं परचेज करूंगा इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर बी और कहता है कितना जनाब, जनाब अली 1/2 बिल फर्स्ट और कहता है 4 रुपीज, जनाब अली 80,000। तो अब आइए जरा, आवाज नहीं आ रही आवाज, बेटा आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक होगा इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी। तो आपने ज्वाइन ऑडियो भी नहीं किया होगा तो आपको बता बता के थक गया कि आप ज्वाइन ऑडियो करें, ज्वाइन ऑडियो करें, आप सुने नहीं, आपने मुझे मैसेज भेजा हुआ यहाँ पे, वही बात बोल रहा हूँ, ज्वाइन ऑडियो का बटन प्रेस करें, ज्वाइन ऑडियो लेफ्ट पे लिखा रहा होगा, ज्वाइन ऑडियो करें। अच्छा जी तो बस प्यारे बच्चों फिलहाल हम बात को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ ही हैं और समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो मिस्टर सी कहते हैं भाई मैं ए से उसके हिस्से का 1/4 खरीदूंगा 50,000 रुपए में, तो बताइए सी का कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, जवाब लिख के दीजिए, सी का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, लिख के जवाब दें सब बच्चे, अगर मेरी आवाज आ रही है। सी हिस्सा खरीद रहा है ना ए से, तो सी का कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होगा या डिक्रीज, सब लोग जल्दी जल्दी लिख के जवाब दें, सबके जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। 18 लोग मौजूद है मेरे साथ इस मीटिंग में, चलो अब्दुल रहमान 2 बार मौजूद है और आयरा 2 बार मौजूद है, तो तकरीबन 16 के करीब लोग मौजूद हैं जी, सब लोग लिख के भेजें, हर बच्चा जवाब जरूर लिख के भेजे। अयान आपका जवाब नहीं आया मेरे पास, अशफा का जवाब नहीं आया, इन लोगों को क्या लिखना नहीं आता, मैसेज तो खूब करते होंगे, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा। अशफा आपसे लिखा नहीं जा रहा, ठीक है अयान थैंक यू बेटा, अशफा से क्यों नहीं लिखा जा रहा है अभी तक, शुक्रिया अनुरोधा।
ये अश्फाक मुझे लिख पा रही, मैं अश्फाक को रिमूव कर दूं मीटिंग से, मेरा ख्याल इनको पढ़ाना नहीं है शायद, ना ये लिख रही है ना ये कुछ बोल रही है, इस तरह थोड़ी होती है पढ़ाई। आपसे मोबाइल में लिखा नहीं जा रहा क्या, चैट में लिखी जा रही, उसी के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है। और मैं तुम्हारा जवाब नहीं आया इस बार, मैं देख रहा हूँ आया है, सही है, और मैं मिल गया जवाब। चले जी बहरन, जो जवाब नहीं दे रहा है उसकी मर्जी, फिलहाल अपना ही बात जाया कर रहा है फजूल में, इससे बेहतर है वो घर में आराम से अपनी नींद पूरी करे, सो जाए, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है इस तरह मीटिंग में। तो आप कहते हैं सी का कैपिटल बढ़ेगा, तो फिर कम किन किन का होगा, किन का कैपिटल कम होगा, जवाब लिख के दें दोबारा, शाबाश, किन का कैपिटल कम होगा जल्दी से जवाब लिख के दें, किन का कैपिटल कम होगा जल्दी जवाब दें, जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं ए और बी का, ओल्ड पार्टनर्स का, वेरी गुड। तो ए अपना कितना हिस्सा बेच रहा है, आइए इसके आगे कंपटीशन बना लेते हैं। ए कह रहा है ए का हिस्सा 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए का वो कितना बेच रहा है जनाब, 1 लाख मल्टीप्लाई पर वो कह रहा है मैं अपना 1/4 दे रहा हूँ, 1/4, 1/4 कितना बनता है प्यारे बच्चों, 25,000 रुपीज। तो 25,000 रुपीज से ए अपना कैपिटल डेबिट कर रहा है। बी का कैपिटल कितना है जनाब अली, बी का कैपिटल है 80,000। बी अपने कैपिटल का कितना दे रहा है जनाब, मल्टीप्लाई बाय 1/2, आधा हिस्सा कितना बनता है, कैपिटल भी 2 लाख है। ओके मैंने गलत लिख दिया, 2 लाख, थैंक यू सर जी, मिल गया मुझे, 2 लाख रुपए बी का कैपिटल है, उसका 1/2 वो बेच रहा है, तो जवाब आया 1 लाख रुपए, सही है आप, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के कैपिटल आपने बोला होंगे कम, और कैपिटल बढ़ेगा सी का, और कैपिटल बढ़े तो हमेशा कहाँ लिखते हैं, कैपिटल बढ़े तो हमेशा कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट, थैंक यू, क्रेडिट, शुक्रिया। तो सी कैपिटल क्रेडिट हो गया 1,25,000 से, किसी को कोई शक कोई एतराज तो बेफिक्र होकर पूछे। ये एंट्री बन गई किस चीज की, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, के नए पार्टनर ने बिजनेस में लाके कुछ नहीं लगाया, ना बिजनेस में कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी डेबिट हुआ, बल्कि ए और बी का कैपिटल उन्होंने अपने कैपिटल को सैक्रिफाइस किया, कम किया, और बोला अच्छा सी तुम मालिक बन जाओ। मजे की बात क्या है कि ए ने अपना हिस्सा 25,000 रुपए का कितने में बेचा है, 50,000 में, और हमें 50,000 से कोई खर्च नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें जो क्या कहते हैं आपका बी है, बी ने 2 लाख में से 1 लाख रुपए का हिस्सा बेच दिया, और बी ने कितने रुपए में बेचा, 80,000 में, तो बी को फायदा हुआ या नुकसान बताइए, बी को फायदा हुआ, बाकी लोग भी जवाब दें, बी को फायदा हुआ या नुकसान, लॉस हुआ आपको, देखें आप सब अनम्यूट करेंगे ना एक साथ तो मुश्किल हो जाएगी, आपको मेरी आवाज भी समझ नहीं आएगी, बेहतर तरीका है आप लिख के जवाब दें। नूरुदा शुक्रिया, हबीबा शुक्रिया, जो बच्चे जवाब लिखते जा रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ, सबा मजीद थैंक यू आयरा, थैंक यू अरमैन, थैंक यू अशफा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अशफा को लिखना आ गया, शबाना शुक्रिया आपका, मासूमा शुक्रिया, फिरोजा शुक्रिया, वहीवा शुक्रिया, बॉयज में से जोहेब आए, जोहेब ने मीटिंग लेफ्ट कर दिया क्या, फिर आया उनका जवाब नहीं आया, क्या ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि न्यू पार्टनर को बी जो है अपना हिस्सा 1 लाख रुपए का हिस्सा 80,000 में बेच रहा है, तो यकीनन बी को लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को बिजनेस में रिकॉर्ड होना चाहिए, यस और नो। नरजीत आपका मैसेज आ रहा है ना मुझे, मैं आपको पढ़ तो रहा हूँ, मेरा मैसेज नहीं आ रहा आपको, आ तो रहा है नरजीत, आपका मैसेज आया, आपका जवाब भी आया जी, मैंने सवाल किया क्या इस नुकसान को बिजनेस में रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम अकाउंटिंग मिस्टर बी के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम अकाउंटिंग पूरे बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस में ना कोई फायदा हुआ ना बिजनेस को कोई नुकसान हुआ, बस सिर्फ बी ने अपने कैपिटल को कम कर दिया और ए के कैपिटल में हो गया इजाफा, इसलिए आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने नहीं लिख के भेजा कि बिजनेस में ये नुकसान रिकॉर्ड नहीं होगा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक केस मैंने डिस्कस कर लिया है आपसे, और हमने देखा इस केस में क्या देखा कि ओल्ड पार्टनर जो है वो अपने कैपिटल को कम करके न्यू पार्टनर को कह रहे हैं आओ तुम मालिक बन जाओ, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का केस था जो हमने अभी डिस्कस किया है। आई होप आप सब ने इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस को समझा हो, अल्लाह करे, और फिर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। इनडायरेक्ट में और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है प्यारे बच्चों, जरूरी है कि दोनों पार्टनर हिस्सा खरीदे हमेशा, क्या जरूरी है कि दोनों पार्टनर हिस्सा खरीदे हमेशा, नहीं, हो सकता है वो किसी एक पार्टनर हिस्सा खरीद ले, ऐसा भी है ना, ओके और चाहे वो उसे पैसे दे या ना दे हमें कोई फर्क, चाहे नया आने वाला पार्टनर
नहीं पड़ता। वेरी गुड। चाहे न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को आगे पैसे दे या ना दे, ज्यादा दे या कम दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही जवाब है। शुक्रिया जिन्होंने जवाब लिखा। अब्दुल रहमान साहब, शबाना, सैयदा आयरा, सबा मजीद, आयरा, फिर दोबारा लिख दिया, नहीं पड़ता। ओके चलें, ठीक है, शुक्रिया। तो अगर आपको इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आइडिया हो गया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि देखें, ये रिव्यू की क्लास जो रखी है ना, ये नहीं हो सकता कि सर इमरान जो है वो आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक रिव्यू करते रहे और आपको हर क्वेश्चन करवाएं। अब आपका फर्ज बनता है, बुक आपके पास है, केसेस आपने किए हैं, आप लिख के करना चाहें तो एक दो केसेस लिख के करने, और अगर आप चाहें तो आप बुक के तमाम केसेस इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आज आप रिव्यू करें, ताकि आपको आपको ये पता चल जाए कि हाँ यार, मुझे इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट याद है, किस किस तरह से हो सकता है, कितने बुरे बुरे अंदाज से हो सकता है, किस किस अंदाज से हो सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा ये रिव्यू करने का, फिर आप भूल जाएंगे, 1.5 महीने बाद फिर आप 0 मीटर होकर बैठे हुए होंगे। क्योंकि याद रखिए, आपके पेपर होंगे जुलाई में, तो आप नजर आ लीजिए, आज 28 अप्रैल, 28 अप्रैल के बाद अगर आप मूव करते हैं, पूरा पूरा मई जाएगा, पूरा जून जाएगा, 2 महीने, और फिर जुलाई के मिड से शुरू होंगे, 2.5 महीने हैं आपके पास, आप सब भूल जाएंगे। तो ये तो शुक्र अदा कीजिए उस इंसान का जिसने ये इनिशिएट किया कि सेकंड ईयर का भी कोई टॉपिक रिव्यू हो जाए। अब बहरहाल रिव्यू इस तरह से हो सकता है, तो अच्छी बात है, आप लोग जो करना चाहते हैं करें, मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आइए, थोड़ा सा आपको जितना टाइम बचा है इस मीटिंग में, बस इस मीटिंग को मुकम्मल करेंगे, और जितना भी हो सकता है आपको डिस्कस करके फिर हम ये मीटिंग खत्म कर देंगे। मैं जा रहा हूँ अब जहाँ पे अली, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नया आने वाले बिजनेस में कुछ ना कुछ लेकर आता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी, इक्विपमेंट और हिज और हर गुडविल। हमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नया आने वाले बिजनेस में कुछ ना कुछ लेकर आता है। मैं यहाँ कोई केस नहीं बनाऊंगा, अब मैं सिर्फ रिव्यू करके आपको याद दिलाऊंगा और वो लाइनें लिखूंगा जो कि पहचान थी, आपको वो पहचान याद आ जाएगी, तो आपके लिए जरा समझना और आसान हो जाएगा। या मेरे मालिक, आइए जी प्यारे बच्चों। तो अब सबसे पहला जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम केस पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, वो था बुक वैल्यू का, इसको हम इक्वल टू बुक वैल्यू भी कहते हैं। थोड़ा समय जरा प्रॉपर अंदाज फॉलो कर लूं। केस वन जो हम पढ़ते हैं वो किस चीज का होता है जनाब? इक्वल टू बुक वैल्यू। चलिए, बुक वैल्यू को कौन डिफाइन करेगा? हरमैन, तुम करो, शाबाश हरमैन। इक्वल टू बुक वैल्यू को डिफाइन करो, अनम्यूट करो, शाबाश, फटाफट, कम ऑन। सर इसमें दो केसेस होते हैं। इफ हमारे पास मिस्टर सी इन्वेस्ट करता है सफिशिएंट कैश लाइक 1/4 इंटरेस्ट, तो ये हमारी एक निशानी है इक्वल टू बुक वैल्यू की। और इसके अलावा सेकंड हमारी निशानी होती है कि अगर वो जस्ट लाइक 20,000 भी इन्वेस्ट करता है 1/4 इंटरेस्ट से, तो ये दो हमारी निशानियां होंगी इक्वल टू बुक वैल्यू की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हरमैन ने बिल्कुल एक स्टूडेंट को जिस तरह से रिव्यू करना चाहिए बिल्कुल उसी अंदाज से किया, तो वो स्टूडेंट वाला रिव्यू है। अब अगर वो टीचर वाला अंदाज अख्तियार कर लेंगे तो वो टीचर ही बन जाएंगे। मुझे उसकी बात बिल्कुल 100% समझ आई है, मुझे हरमैन की बात बिल्कुल सही से समझ आई है। अब आप लोगों को सुनने की जरूरत है, जरा गौर से सुनिएगा। इक्वल टू बुक वैल्यू वाला केस जो होता है, पहले तो इसका मतलब समझ लें, उसके बाद फिर इसकी पहचान बताता हूँ। हरमैन ने इसकी पहचान बताने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया बजाय इसके कि वो बताती कि बुक वैल्यू होती क्या है। इक्वल टू बुक वैल्यू का मतलब होता है कि नया आने वाला पार्टनर जिस हिस्से के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उस हिस्से के बराबर ही बिजनेस में पैसे लाएगा। इसकी आसान मिसाल यूं ली जा सकती है कि अगर ए और बी, आइए यही वाली एग्जांपल देखते हैं। अगर ए और बी, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करता हूँ, फर्स्ट करता हूँ इसको यहाँ लिखकर, अगर आपके साथ हैं, अगर ए और बी बिल फर्स्ट मालिक हैं बिजनेस में, कितने के मालिक हैं जनाब? मेरे बच्चों, अगर ए और बी बिजनेस में मालिक हैं 1 लाख और 1 लाख के, और तीसरा पार्टनर कहता है मुझे भी 1/3 इंटरेस्ट चाहिए, मैं भी 1/3 इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, ये दो पार्टनर हैं, तो 1 और 2, और तीसरा कहता है मुझे 3 में से 1 हिस्सा दे दो, तो तीसरे पार्टनर को तीसरे हिस्से के लिए कितने रुपए लाने चाहिए? जवाब लिख के भेजें सब लोग फटाफट। तीसरे पार्टनर को बिजनेस में कितने पैसे लाने चाहिए? 1/3 इंटरेस्ट बोला मैंने, 1/3, 3 में से 1 हिस्सा। चबाना का जवाब आ गया, 1-0 खा गई शवाना। तुम बाकी लोग सोच रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं, बहुत मुश्किल सवाल कर लिया मैंने दुनिया का। मेरा सवाल यह है कि अगर ये दो पार्टनर हैं और तीसरा पार्टनर कह रहा है मैं 1/3 इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, शुक्रिया आयान साहब, शुक्रिया आयरा, आपका आंसर ठीक नहीं है बेटा, गौर फिक्र कीजिए। अब्दुल रहमान, शुक्रिया,
मैं कह रहा हूँ अगर ए का कैपिटल 1 लाख, बी का कैपिटल 1 लाख, तीसरा पार्टनर आ रहा है मिस्टर सी, वो कहता है मुझे 3 में से 1 हिस्सा चाहिए, तो भाई अगर वो 3 हिस्से करवा रहा है तो इसे 1 हिस्सा चाहिए, तो भाई अगर वो 3 हिस्से करवा रहा है तो इसका मतलब है पहले 2 वो हिस्से हो गए थे, अब तीसरे के आने पर इससे होंगे 3, तो तीसरा पार्टनर कह रहा है मुझे 3 में से 1 हिस्सा चाहिए, तो उसको 1 हिस्से के लिए कितने रुपए आने चाहिए, अगर ए ने लगाए में 1 लाख, बी ने लगाए में 1 लाख, तीसरा कह रहा है मुझे 3 में से 1 हिस्सा 1 लाख रुपए। शुक्रिया जोहेब साहब, सबा मजीद, अब्दुल रहमान, अब तो 1 लाख लिख ही सकते हो ना बेटा, आप क्या फायदा लिखने का। बहरहाल इसका मतलब है मिस्टर सी जो है अगर वो बिजनेस में आना चाहता है और बराबर का मालिक बनना चाहता है तो उसे 1 लाख रुपए लगाना चाहिए, 1 लाख रुपए का नाम है बुक वैल्यू। आइए चेंज करता हूँ, ए कैपिटल है 2 लाख रुपए, बी कैपिटल भी है 2 लाख रुपए, अब बताइए। सी कह रहा है मैं अभी भी 1/3 इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, 1/3, सी कह रहा है अभी भी मैं 1/3 इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, अब कितने पैसे लगाएगा सी, कितने पैसे लगाएगा, ये 2 लाख रुपए क्या कहलाएगी उसकी बुक वैल्यू, सी को 2 लाख रुपए लगाने चाहिए, ये 2 लाख रुपए है बुक वैल्यू। ऑडियो में मसला हो रहा है, अच्छा अब बताएं अब्दुल रहमान, मेरे हिसाब से तो आवाज यहाँ से प्रॉपर जा रही है, जब नेट का कनेक्शन डिस्टर्ब होता है ना आपके एंड पर या मेरे एंड पर तो ऐसा होता है, डबल चेक कर लें आप, इंशाल्लाह आपको आवाज आ जाएगी। अच्छा आयान भी कह रहे हैं आवाज ठीक नहीं आ रही, भी कह रही है आवाज नहीं आ रही, रोजा भी कह रही है, ओके अब बताइए। नहीं नहीं माइक की जरूरत नहीं है, ये तो लैपटॉप से अच्छी खासी आवाज आती है, मेरे घर की आवाज भी आती है, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है। अब मेरा हमारी आवाज सही आ रही है ना जोहेब? यस सर सही आ रही है। अब्दुल रहमान साहब गूगल का जो हैंगआउट है ना वो इंतहाई बकवास सॉफ्टवेयर है, और मजे की बात है उसमें मीटिंग करने के लिए जो है वो जी सूट खरीदना पड़ता है, वो आम लोग कर ही नहीं सकते, उसमें आप जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मीटिंग इनिशिएट नहीं कर सकते, मुझे पता है उसके बारे में। अच्छा शबाना कह रही है आवाज़ सही आ रही है, अब्दुल रहमान अब आवाज़ सही आ रही है। चलो बात यह है कि भाई गो फॉर मीटिंग भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर ही अच्छा है, इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है और फीचर्स इसके अच्छे हैं। चले अभी फिलहाल वक्त खत्म ना हो जाए तो हम जल्दी से जरा बात मुकम्मल करें, इक्वल टू बुक वैल्यू वाली ना, कोशिश करते हैं कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंप्लीट कर लें जितना भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है। अब सबको आवाज ठीक आ रही है, अब सब बच्चों को आवाज फिलहाल ठीक आ रही है, जो बच्चे कह रहे थे सर आवाज नहीं आ रही सही बता दें यस और नो करके। चले शुक्रिया। अच्छा देखिये मैं ये कह रहा हूँ, अब जो मैं अगला स्टेटमेंट दे रहा हूँ जरा वो गौर से सुनिएगा प्लीज। ए कैपिटल है 2 लाख, बी कैपिटल है 2 लाख, सी कहता है कि अभी भी मसला है। अच्छा नहीं शायद फिर अब्दुल रहमान वो मेरी तरफ से हो शायद, चले रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे इंशाल्लाह, आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना सही है, परेशान नहीं है, रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर लेंगे यूट्यूब पर। अच्छा यार अचानक खराब हो जाती है आवाज, समझ नहीं आ रही मेरी भी। अच्छा चलो मैं डिवाइस को थोड़ा बाहर रख के देखता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ जी अब चेक करें आप, अभी मैंने डिवाइस बाहर रखवाई है 4G की डिवाइस, मैंने कहा घर के बाहर रख दो भाई, वहाँ हो सकता है सिग्नल और अच्छे आ जाए। ओके अगर अभी ठीक है तो बस अब 10 मिनट बचे हैं उसको मुकम्मल करते हैं। आवाज़ का इशू शायद ये भी वजह हो सकती है कि मेरा लैपटॉप जो है ना हैवी हो रहा हो, सुबह से असल में ऑन हुआ था और मुख्तलिफ काम चल रहे थे ऑनलाइन, मेरा तो ऑनलाइन का सेटअप बस बहुत ही ज्यादा हो गया इसका। बहरहाल ओके अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं साउंड गुड, थैंक यू सर। प्यारे बच्चों मासूमा आप अपना माइक म्यूट कर लें बेटा, मेरा बच्चा माइक म्यूट कर लो मासूमा। चलो तो अब देखो बात की जो मैं सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए, ठीक है। सवाल ये है जब मैंने कहा कि सी कहता है मुझे 1/3 इंटरेस्ट चाहिए, मैंने क्या कहा सी कहता है कितना इंटरेस्ट चाहिए 1/3,
तो आपने कहा सी के वन थर्ड इंटरेस्ट के लिए उसे कितने रुपए लाने चाहिए, 2 लाख रुपीज। मैंने सवाल चेंज कर दिया, आप मैं कह रहा हूँ सी कहता है मुझे 1/2 इंटरेस्ट चाहिए, आप बताओ सी को कितने रुपए लाने चाहिए। जिन्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया उनके लिए क्वेश्चन दोबारा कहता हूँ, सी कह रहा है मैं कारोबार में 2 में से 1 हिस्से का मालिक बनना चाहता हूँ, मेरे आने पर कितने हिस्से होंगे। सी कह रहा है मेरे आने पर कितने हिस्से होंगे। आयान गलत, जोहेब गलत, आप लोगों के नाम ले रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, आप दिल बर्दाश्त ना हो, इससे कोई बेइज्जती नहीं होती। सही है, अभी तक किसी का जवाब करेक्ट नहीं आया, किसी का भी करेक्ट नहीं आया, जितने लोगों ने मुझे जवाब भेजा किसी का भी जवाब करेक्ट नहीं है, सब लोग गलत जवाब दे रहे हैं, जज्बातियों के दे रहे हैं। पहला जवाब सही आया हबीबा का, वेरी गुड हबीबा, एक्सीलेंट। मैं जवाब नहीं बताऊंगा आपको, मैं मौका दूंगा आपको, आपको टाइम दूंगा, आप मेरी बात गौर से सुनेंगे तो आप सही जवाब दे सकते हैं। जब हबीबा जवाब दे सकती है तो सर एक मिनट सवाल रिपीट कीजिएगा। माजरत के साथ, सवाल यह है कि जब सी ने कहा मेरे आने पे 3 हिस्से होंगे, तो आपने कहा 1 हिस्सा A का, 1 हिस्सा B का और 1 हिस्सा C का, तो अगर 1 हिस्से के लिए इसके 2 लाख, इसके 1 हिस्से के लिए 2 लाख, तो इसके भी 1 हिस्से के लिए 2 लाख। लेकिन आप देखें ना मैं क्या कह रहा हूँ, सी कह रहा है मेरे आने पर कितने हिस्से होंगे, 2, और 2 में से मुझे कितना चाहिए, 1। तो अगर 2 में से 1 ये ले लेगा तो बचे कितने, 2 में से 1 अगर ये ले लेगा, 2 में से 1 अगर ये ले लेगा तो बचे कितने, 1 बचा। वो 1 किन का होगा, वो 1 किन का होगा, वो जो 1 बचेगा वो किन का होगा। शुक्रिया शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब सब वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा, पहले ये बात समझ लो। वो जो 1 हिस्सा है भाई, नए वाले ने बोला ना मुझे 1 चाहिए, मेरे आने पर 2 हिस्से करो और मुझे उसमें से 1 चाहिए। अच्छा भाई ठीक है, 1 तुम ले लो, 2 में से 1 ये ले लेगा तो बचा 1, वो 1 किन का है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो जरा बताना ओल्ड पार्टनर्स ने उस 1 हिस्से के लिए कारोबार में कितने रुपए लगाए हैं। ओल्ड पार्टनर्स ने उस 2 लाख के लिए कारोबार में कितने रुपए लगाए हैं। अब्दुल रहमान गुड, सफा मजीद गुड, वहीबा 1 हिस्से के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने कितने रुपए लगाए हैं। नूर हुदा 1 हिस्से के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने कितने रुपए लगाए हैं। सईदा आयरा 1 हिस्से के लिए ओल्ड, अफसा गुड 1 हिस्से के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने कितने रुपए लगाए हैं। जिनको मैं नाम लेके बता रहा हूँ वो गौर करें सवाल पर। आयान 1 हिस्से के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने कितने रुपए लगाए हैं। भाई 1 हिस्से के लिए ओल्ड पार्टनर्स कह रहा हूँ, अब सका जवाब ठीक है, बाकी जिनके नाम मैंने लिए वो लोग अभी भी नहीं समझ पाए। तो बात यही है ना, आप लोगों को हलवा हलवा खाने की आदत है, बस वही बात। अभी सर एक बार सवाल रिपीट कीजिएगा। जोहेब साहब अभी भी गलत हैं, माजरत के साथ, नूरुदा अभी भी गलत हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हलवा खाने की आदत है। आए आइए, थोड़ा आज मैंने मुश्किल सवाल कर लिया तो जान निकल गई आप लोगों की। बात यह है जब मैंने इसे बोला, इधर देखें, जब मैंने इसे बोला 1/3 तो आप लोगों ने सब फौरन मान लिया, बोला 1 इसका 1 इसका और 1 इसका, 3 हो गए, 1/3 1/3 1/3, समझ में आती है ये बात। 1/3 1 अगर हम इसको लिखें तो ये 3 में से 1 इसका 1 इसका 1 इसका। अच्छा अब जब मैंने बोला कि भाई इसको 1/3 की बजाय कर दो 1/2, तो अगर अब 1 इसका तो फिर इन दोनों का मिला के कितना बनेगा। अब इन दोनों का मिला के 1 है, तो मैं पूछ रहा हूँ 1 हिस्से के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने कितने रुपए लगाए हैं, तो ऐसे बेहूदा जवाब दे रहे हैं। को बोल रहा है 1 लाख, को बोल रहा है 2 लाख, को बोल रहा है 3 लाख। अजीब बेवकूफ लोग हैं भाई, इतने सन की भी हो सकते हैं क्या रोजे की हालत में। अब जब आपने जी शवाना शुक्रिया, जी अरमैन शुक्रिया, बाकी लोग भी शुक्रिया का मौका देते हैं, मेहरबानी होगी। जी फरोजा शुक्रिया, अयान साहब शुक्रिया का मौका दीजिए सर, अगर अभी भी समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझा सकता हूँ। वही बात शुक्रिया। तो भाई शवाना दोबारा क्यों जवाब दे रही हो, जब पहले दे चुकी हो मत दो जवाब, हमने तो नहीं बोला दोबारा जवाब दो, जिसने पहले सही जवाब दे दिया था और मैंने उसे बोल दिया था तो वो दोबारा जवाब ना दे, समझ में नहीं आया सिंपल। इधर देखो ना ये स्क्रीन, समझ में आ जाएगा। सी कह रहा है मेरे आने पर हिस्से होंगे 2, मुझे चाहिए 1, तो अब कितना हिस्सा बचा, 1, वो 1 किसका है, बी का, वो 1 किसका, ए का, बल्कि इन दोनों का है ना, या नहीं, वो जो 1 बचा है वो ए और बी दोनों का है।
सर 2 लाख कैसे लग रहा है जोएब साहब, 2 लाख कैसे लग रहा है? मेजोरिटी ने सही जवाब दे दिया। आयरा 1 लाख रुपए कैसे लग रहा है? अब इन दोनों का हिस्से की अमाउंट 4 लाख रुपए। आयरा को समझ आया या नहीं? और किसको समझ में नहीं आया पूछे। भाई अगर ये सी कह रहा है मुझे दो में से एक हिस्सा चाहिए, तो अगर एक ये लेगा दो में से, तो बाकी बचा एक, वो एक किन का होगा? ए और बी का। तो ए और बी ने उस एक हिस्से के लिए कारोबार में कितने रुपए लगाए हैं? अब आप सिर्फ ए का हिस्सा थोड़ी देखेंगे, ना सिर्फ बी का देखेंगे, जब हिस्सा ले रहे हैं वो किससे? सी कह रहा है मुझे हिस्सा चाहिए दो में से एक, तो अगर दो में से एक हिस्सा ले रहा है सी, तो एक हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स का होगा। ओल्ड पार्टनर्स बिजनेस में पहले से कितने रुपए लगा के बैठे हैं? 4 लाख। तो वो नए वाले पार्टनर को कहेंगे तुम भी बिजनेस में कितने रुपए लेकर आओ, तो बुक वैल्यू कितनी बनी? अरे 1,50,000 कहां से ले आई थी? नए नए जवाब कैसे याद कर रही है बेटा? हाँ 1,50,000 की कंपटीशन बताओ, शाबाश जल्दी से। 1,50,000 की कंपटीशन बताओ मुझे, शाबाश कैसे आया? अनम्यूट करके बता दो, इतनी देर नहीं लगाओ, आखिरी 2 मिनट रह गए, 2.5 मिनट। इक्वल टू बुक वैल्यू भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। 2 लाख कैसे होगी हरमैन? बुक वैल्यू 4 लाख रुपए होगी ना, इतनी देर से मैं समझा के आ रहा हूँ, बुक वैल्यू 4 लाख रुपए होगी। अभी तो आप लोगों को पूरा केस, आप लोगों ने जवाब भी दिया फिर वापस पलट गए। हरमैन आपने जवाब क्यों पलट दिया वापस? आयान शुक्रिया, आपका जवाब करेक्ट है। आयरा को समझ में नहीं आ रही, 1,50,000 की कंपटीशन नहीं बता रही, ना अनम्यूट कर रही है अपने आप को, तो मैं समझाऊं कैसे? ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई, आप लोग तकल्लुफ करते रहे बस, हेजिटेट होते रहे, दुनिया के मामलात में शर्माते नहीं है, पढ़ाई के मामलात में शर्माते हैं, अजीब कौम है भाई। या तो अनम्यूट करके बताएं 1,50,000 कैसे आया, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? इतनी सिंपल मिसाल दी मैंने आपको कि अगर ये इसको मैं कर दूं एक हिस्से के लिए 2 लाख, इसके भी एक हिस्से के लिए 2 लाख, और अगर सी बोले मुझे भी एक ही हिस्सा चाहिए, कितने में से? 3 में से। तो फिर हम इससे कहेंगे, एक मिनट, मुझे आपकी आवाज शायद इसलिए नहीं आ रही कि मेरा माइक, एक मिनट, खैर आप तो एक मिनट कर देंगे, तो माइक अनम्यूट करें। आयरा नहीं, मुझे आवाज नहीं आई शायद, आपने बताई होगी कंपटीशन। एक मिनट आप रुक जाएंगे, मैं बोले मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरे माइक पर प्रॉब्लम है, चलिए छोड़ें कोई बात नहीं। बहरहाल 1,50,000 नहीं है, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही, बाकी बात है। तो काम की बात तो यह है कि जब ये एक हिस्सा होता है, आखिरी मिनट चल रहा है सुन लीजिएगा, मीटिंग किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी, बाद में जब मीटिंग करेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। आप लोग घर पे इक्वल टू बुक वैल्यू ये वाला केस, ठीक है, और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केसेस रिव्यू कर लीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह गुडविल पे और बोनस बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो मेरे बच्चों, एक हिस्सा इसका 2 लाख, एक हिस्सा इसका 2 लाख, और अगर ये भी बोले मुझे भी एक हिस्सा चाहिए लेकिन 3 में से, 2 में से नहीं, तो इसका मतलब ये भी फिर 2 लाख रुपए लगाएगा। समझ आती है बात? अच्छा, लेकिन जब ये कहे मेरे आने पर हिस्से होंगे, अब टोटल 2, मेरे आने पर हिस्से कितने होंगे टोटल? अब 2, 2 में से 1 मुझे चाहिए, 1 तुम दोनों ले लो। तो ये कहेंगे अच्छा, अगर 1 हम लेंगे तो हमने 1 के लिए कितने रुपए लगाए? 4 लाख। और तुम भी बेटा कितना लेना चाहते हो? 1 टोटल।